जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नीचे जाइए, दुकान को आग लगा दीजिए। चानी मैडम की रिपोर्ट्स आ गई क्या? क्या क्या है उसमें? ये रिपोर्ट मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, या तो मैं मैडम को या तो उनके किसी फैमिली मेंबर को ही बता पाऊंगा। ऐसी कौन सी बात है जो कि मुझे नहीं बता सकते? अर्जुन सर, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। आपसे कहा था ना टेस्ट करने के लिए। How can you forget? हाँ, दिशा से पहले टेस्ट करना है। चलिए। Exactly. चांदनी जी, आपके हस्बैंड मिस्टर अर्जुन शर्मा कहाँ है? वो तो अभी है नहीं, बताइए क्या हुआ? मैडम आपकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, क्या लिखा है रिपोर्ट में? चांदनी जी, अगर आपके हस्बैंड होते तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम सुन सकते हैं। देखिए, आपकी अब्डोमेन के इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा थी, हम कोशिश करेंगे आप रेगुलर चेकअप के लिए आती रहिए। ठीक है, टेक केयर चांदनी जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, चांदनी बिटिया ठीक हो गई। या आप दीजिए ना बैग। अरे बेटा, आप दीजिए ना। जी, आपकी माया तो काम ही नहीं आई। मुझे तो लगा था कि चांदनी गई 2-3 महीने के लिए बिस्तर पे, लेकिन वो वापस आ गई, वो भी हट्टी कट्टी। मामी जी, चांदनी तो अभी सिर्फ लौटी है, अब कितनी हट्टी कट्टी लौटी है ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब आप अंदर चलिए, मैं समझाती हूँ। मुझे
अरे बैठी रहो बैठी रहो, जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक आराम करो। और सुनिए, आज आप सैर पर अकेले ही चले जाइएगा। अरे हाँ हाँ, चांदनी को आराम ही करने देते। अम्मा आज मंदिर नहीं जाना? आज तो जाना ही है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चांदनी सही सलामत वापस आ गई। माँ मैं ये सोच रही थी कि क्यों नहीं हम लोग घर पर ही पूजा रखवा ले। अब देखिए ना, चांदनी मैम भी सही सलामत हॉस्पिटल से आ गई हैं और राखी दीदी का भी चौथा महीना चल रहा है, तो दोनों के लिए शुभ रहेगा। देखो कितनी अच्छी सलाह दी है माया ने। हाँ भाभी, इसीलिए तो ये हमें बेटी जैसी लगती है। हम कल या परसों किसी दिन का मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी से। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, पहले राखी फिर चांदनी, यही मांगेंगे हम भगवान से। आज ही पंडित जी से कहकर ऐसी किसी पूजा का प्रस्ताव रखते हैं, है ना? आपके बेटी और दामाद बिराज चुके हैं, आप भी अपने बेटे और बहू को बुलाइए, आसन ग्रहण करें और पूजा प्रारंभ करें। ये पूजा खासकर उनके लिए रखी गई है जो माता पिता बनने वाले हैं और माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं। आइए पूजा प्रारंभ करें। ओम श्री गणेशाय नमः। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर? सर वो डॉक्टर साहब को मैंने ही बुलाया है। वो डिस्चार्ज के समय डॉक्टर ने कहा था ना कि चांदनी मैम को हर 2-3 दिन के बाद चेकअप की जरूरत है, तो मुझे लगा कि 2-3 दिन का गैप तो हो ही गया है, तो बस मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया। अच्छा वो बुला लिया, हम तो भूल ही गए थे। थैंक्स। मुझे पता नहीं था आज पूजा है, वरना मैं अभी नहीं आता। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अब आ गए हो तो पूजा के लिए बैठ जाइए। वैसे भी ये पूजा हमने चांदनी के लिए रखी है, वो सही सलामत घर लौटी है ना। और अब मेरी बेटी ना माँ बनने वाली है, और वैसे भी चांदनी की भी तो यही इच्छा है ना कि वो माँ बने। अच्छा है, ये इच्छा तो भगवान ही पूरी करेंगे इनकी। बट उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना। और हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरे बस में नहीं है वो तो भगवान की कृपा से ही पूरा हो सकता है। और मिरेकल, चमत्कार, ये तो कभी भी हो सकता है। इसलिए रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, आप लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चमत्कार, हम कुछ समझे नहीं। जी रिपोर्ट में तो वही लिखा था, मैंने बताया था चांदनी जी को। चांदनी जी आपने बताया नहीं अपने परिवार को कि आप? ओह, I'm sorry। नहीं नहीं डॉक्टर, एक सेकेंड। क्या नहीं बताया हमने हमारे परिवार को? वही जो मैंने आपको बताया था। क्या बताना चाहते हैं हमें बताइए। देखिए चांदनी जी की इंजरीज बहुत गहरी थी,
हमने बहुत कोशिश की। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।